नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉयड बड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं रेडमी नोट 4 का एक कैमरा रिव्यू। रेडमी नोट 4 में आपको मिल जाएगा 13 MP रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैमरा रिव्यू। तो आप लोग देख सकते हैं कैमरा इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लीमो, पॉप, कलर पॉप, रस्टिक, आईसी, ये सब बहुत सारे फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे कुछ अलग से डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स दिए गए हैं, जैसे फिश आई, मोजाइक, ये सब आप कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फन कर सकते हैं इसको यूज़ करके इन सब ऑप्शंस को। और इनके बाद आपके पास आता है मोड्स का ऑप्शन। मोड पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैनोरामा क्लिक कर सकते हैं, पैनोरामा के वाइड शॉट लेने के लिए। टाइमर देख के आप क्लिक कर सकते हैं फोटो। ऑडियो के साथ आप ऑडियो शॉट भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैनुअल मोड एक दिया गया है। हालांकि मैनुअल मोड में आपको बहुत सारे ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप वाइट बैलेंस और आईएसओ आप चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। और भी ज़्यादा ऑप्शन होते तो इसमें अच्छा हो सकता था। इसके बाद मोड में अगर देखेंगे आप लोग तो मोड में आपको मिलेगा स्ट्रेटन का ऑप्शन। मान लीजिए आपने एक फोटो क्लिक किया है, वो थोड़ा टिल्ट हो गया है, तो उसको स्ट्रेटन करके आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ब्यूटीफाई ऑप्शन है रेयर कैमरे से भी। अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करना है तो आप उसमें से भी ब्यूटीफाई करके फोटो क्लिक कर सकते हैं। और देख सकते हैं ब्यूटीफाई को आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में है सीन मोड्स। सीन मोड में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बनाया गया है। जैसे आपको अगर पोर्ट्रेट क्लिक करना है तो पोर्ट्रेट के लिए, लैंडस्केप के लिए अलग से, स्पोर्ट्स के लिए अलग से, नाइट के टाइम के लिए अलग से, नाइट पोर्ट्रेट के लिए अलग से, ये सब अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिया गया है जिनको आप यूज़ करके अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ ऑप्शंस। और अगर आपको सेटिंग्स में जाना है कैमरे की सेटिंग में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक आइकन बना हुआ है, इससे क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग में लेके जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप कैमरा साउंड ऑन ऑफ कर सकते हैं, ग्रिड लाइंस कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एनहांस लो लाइट फोटो ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते बर्स्ट मोड के ऑप्शन दिया गया है। बर्स्ट मोड कर सकते हैं प्रेस, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं प्रेस एंड होल्ड करने के बाद क्या होगा, बर्स्ट मोड में जा सकते हैं या फिर फोकस आप चेंज कर सकते हैं ऑटो फोकस। नॉर्मली ये बर्स्ट मोड में रहता है, बर्स्ट शूट में देख सकते हैं आप इसको चाहे तो फोकस में कर सकते हैं। कैमरे का जो रेशियो है वो 4:3 है, आप देख सकते हैं। फुल फ्रेम आप कर सकते हैं 16:9। यहाँ पर देख सकते हैं फुल स्क्रीन हो गया है। कैमरे का जो इंटरफेस था वो ये फुल स्क्रीन 16:9 में बन गया है, तो इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं सैचुरेशन लेवल का एक ऑप्शन दिया गया है। आप अगर चाहेंगे तो अपने फोटोज में आप ज़्यादा सैचुरेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल में दिया गया है, तो आप इसमें हाई, हायर और हाईएस्ट भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ये नॉर्मल फोटो है, इसमें कोई सैचुरेशन लेवल बढ़ाया नहीं गया है। और ये वाला देख सकते हैं आप, ये वाले में आप देख सकते हैं थोड़ा सैचुरेशन लेवल जो है हाई किया गया है। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा सैचुरेशन चाहिए तो आप इसको ऑन करके रख के फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इसकी कुछ सेटिंग्स। और फ्रंट में अगर आप देखेंगे, फ्रंट में भी आपको 5 MP का कैमरा मिल जाएगा। फ्रंट में आपको ज़्यादा कुछ सेटिंग्स उतना नहीं मिलता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मोड्स का ऑप्शन दिया गया है। मोड में सिर्फ टाइमर एंड ऑडियो का ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है सिर्फ। लेकिन फिल्टर्स का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो थे इसके कुछ ऑप्शंस। चलिए एक दो सैंपल फोटो क्लिक करके दिखा देते हैं आपको कि फोटो इसमें कैसा आता है। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक, और उसके बाद मैं इसके बाकी सारे सैंपल फोटोज आपको दिखाने वाला हूँ और एक सैंपल वीडियो भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे फोटो और वीडियो आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं टेक्स्ट इसमें क्लियरली रीडेबल है। आप इसमें से फोटो क्लिक करके जूम करके भी टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे फोटो को, तो यहाँ पे लाइट्स थोड़ा ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं फोटो में डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा है। नॉइज़ उतना ज़्यादा नहीं है, नॉइज़ थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइज़ इसमें नहीं दिख रहा है। और कलर्स अगर आप देखेंगे, कलर्स भी थोड़ा मुझे कूल टाइप कलर्स लग रहा है। अगर एक्चुअल कलर से मैच करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट कलर आया है, लेकिन उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। हालांकि देखने में ये उतना ख़राब नहीं लग रहा है। तो कैमरा तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा खास कैमरा नहीं है, फोकस करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कभी कभी आ रहा है। चलिए इसके सैम्पल फोटोज़ और वीडियोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे फोटोज़ और वीडियोज़ आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
वीडियो का ये पार्ट बन रहा है फ्रंट कैमरे से, आप देख सकते हैं आप, ये एक वाइड एंगल कैमरा नहीं है, इसके वजह से इसका जो कैमरा है आपको जूम्ड इन बहुत लगेगा। देख सकते हैं आप कैसे वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इसमें से, और इसका ऑडियो जो है ऑडियो भी फ्रंट कैमरे से आ रहा है।